देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नए साल के मौके पर दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा लड़कों ने नए साल के जश्न के दौरान बीच सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ की और पुलिस के कार्रवाई करने पर पुलिस पर पथराव किया। वहीं बेंगलुरु में नए साल के जश्न के मौके पर महिलाओं से सामूहिक छेड़छाड़ की गई। अब हैदराबाद में महिलाओं से नए साल के मौके पर छेड़छाड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों से देश में गुस्सा है। इस बीच बेंगलुरु में लड़की से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों में से 2 को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने 7 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था, उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर इस वक्त पीसी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे आपको लिए चलते हैं। वहीं ನಾವು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಜನವರಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂದ್ರೆ छेड़छाड़ के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी संबंध में बेंगलुरु पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिससे संबंधित जो अपडेट होगा वो हम आपको समय समय पर बताएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर, 7 लोगों को डिटेन किया गया था लेकिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज और इसी से संबंधित बेंगलुरु पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि किस तरह से संदिग्धों की धरपकड़ की गई। इमरान हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। इमरान, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बेंगलुरु पुलिस की, फिलहाल क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं वहां से? जी फिलहाल बेंगलुरु पुलिस एक कॉमन एरिया इंसिडेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जहां पर एक सीसीटीवी बरामद देख सकते हैं 2 आदमी जो एक महिला पर जबरदस्ती उन पर हमला करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, फिर वो जब महिला जब रोकने की कोशिश करती है तो उसको जमीन पर वहीं पटक कर भाग निकलते हैं। उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद काफी कोहराम मचा सोशल मीडिया और काफी लोगों ने इसे खंडित किया। तो बेंगलुरु पुलिस जो काफी इनएक्शन इस मामले में, उन्होंने तुरंत उसका सुमोटो केस रजिस्टर किया और 9 लोगों से पूछताछ की उसी मोहल्ले के। उसके बाद उससे 1 हफ्ते पहले जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, सर्कल फुटेज, उसके फुटेज और पूछताछ के बाद इन्होंने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उसमें से 2 लोग बंधित हुए हैं। दोनों को आज कोर्ट में भी प्रोड्यूस किया है, हेल्थ चेकअप भी लेकर गया और वो जो विक्टिम है, विक्टिम को भी बुलाया गया था और उसने भी सूत्रों ने कह रहा है कि आइडेंटिफाई किया है और आज उसी का खुलासा बेंगलुरु पुलिस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरे कर रही है। वीडियो 2 फोटो। इमरान, आप लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखें, अपडेट के साथ हम आपके लिए दोबारा संपर्क करेंगे और जानकारियां साझा करेंगे। तो बड़ी खबर ये कि बेंगलुरु मामले में जो छेड़छाड़ हुई थी लड़की के साथ, 2 आरोपी जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु पुलिस की जारी है। इधर दिल्ली में नए साल के मौके पर लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। 31 दिसंबर की रात 12:30 बजे मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास छात्रों के गुट ने बाइक पर जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ की, उसका शॉल खींचा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़कों को पकड़ लिया है लेकिन लड़कों की तादाद 100 से ऊपर थी जिसकी वजह से लड़कों ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लड़कों ने पुलिस वालों की गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले और अपने साथियों को छुड़ा ले गए। 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर जिसके जरिए हम आपको उस रात की एक घटना दिखा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में दंगा करने की धाराओं में मामला जरूर दर्ज किया है लेकिन अभी पीड़ित लड़की की तरफ से पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। पुलिस अब उस लड़की का भी पता लगा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस कई छात्रों से पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने लड़की को अपनी तरफ प्रेस करने की, पीछे की तरफ खींचने की सोची लेकिन वो बाइक खड़ी थी जिस वजह से उस लड़की ने अपनी बाइक एक हाथ से बाइक को पकड़ा और वो नीचे नहीं गिर पाई। हमने देखा जैसे किसी लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है। सबसे फ्रंट में थे मैं और मेरे ASI रणधीर साहब।
हम दोनों भाग गए, हमारे को देखा, हमने अपने बाकी स्टाफ को बोला, सारा लेडीज स्टाफ भी था, जो जेंट्स स्टाफ था, हम गए। तो उसके बाद फिर वो भीड़ को तितर बितर गया, वो हमारे को देख के भाग गई अंदर। उसके बाद जैसे ही फिर पथराव ज्यादा शुरू हो जाता है तो हम भाग गए अपना, यही जो पुलिस बूथ है हमारा, इसमें आते हैं। भीड़ ने लगभग होगी 1500 की भीड़ थी, जिन्होंने बच्चों ने पीछे स्टूडेंट ही थे टोटल, उन्होंने पत्थरबाजी किया, जिसमें हमारे कई स्टाफ को चोट गई है, मुझे भी राइट बाजू पर पत्थर लगा था, मुझे भी चोट है। और उसके बाद फिर जब हमने सीनियर अफसरों को इन्फॉर्म किया 100 नंबर कॉल की, उसके बाद सीनियर अफसर विद फोर्स आए, जैसे फिर उसको का जब हमारे को बचा। और इसी मसले पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं। आनंद, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली जहां पर इस तरह छेड़छाड़ की वारदात हुई है 31 दिसंबर की रात को, ऐसे में क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले में आया है अभी तक? देखिए प्रीति, बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, दिल्ली की कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती है। और ये बताती है कि अगर 31 तारीख का जश्न था और इतना लाखों की तादाद में अगर मुखर्जी नगर में जो स्टूडेंट हैं, जो सिविल सेवा या दूसरी तैयारी करने आए, वो इस तरह का उपद्रव मचा सकते हैं, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि सीनियर अफसरान को यह सोचना था कि केवल 20 पुलिस कर्मियों को वहां पे तैनात किया गया था, जिसमें 4 महिला पुलिसकर्मी थी, उन पे भी अटैक करने की कोशिश की गई, जो भीड़ थी। ये तो राहत की बात है कि महिला पुलिसकर्मी चौकी के अंदर थी, इसलिए उनकी जान बच पाई, लेकिन 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। पूरी जो चौकी है उसको तहस नहस कर दिया, उसके जो शीशे थे उसको पूरी तरह से तोड़ा। ये विजुअल तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कितने ज्यादा उत्पात मचा रखे थे नशे में चूर लड़के थे, जो स्टूडेंट थे, जो मुखर्जी नगर में। और अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम लोगों के चेहरे सामने आ चुके हैं, मीडिया में तमाम चेहरे देखे जा चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस का कहना है कि लगातार मुखर्जी नगर में व्हाट्सएप या दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इन लड़कों के जो फोटो उनको सर्कुलेट किया गया है, और ये अपील की गई है कि अगर इन लड़कों को कोई पहचानता है तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे। लेकिन बेहद ही चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि 31 तारीख को देश की राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि पहले एक लड़की का शॉल खींचा जाता है, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है, और जब पुलिस बीच बचाव करने आती है तो उसको भी निशाना बनाया जाता और है। आनंद, सबसे बड़ी बात है कि अभी तक वो लड़की भी नहीं सामने आ पाई है, जिसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा हुआ है, और आखिर वो लड़की कौन है, किन हालात में उसके साथ इस हरकत को अंजाम दिया गया है, ये तमाम सवाल हैं जो उस लड़की के सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना अब गर्माती जा रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट पर लड़कियों से छेड़छाड़ की घटना को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कड़े शब्दों में घटना की निंदा की है, और इशारों में एसपी नेता अबू आजमी पर भी वार किया है। इसके बाद अबू आजमी ने भी अक्षय कुमार पर पलटवार किया। इतना ही नहीं, अबू आजमी गाली गलौज पर उतर आए। सबसे पहले आपको हम अभिनेता अक्षय कुमार का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बेंगलुरु में हुई घटना की तीखी प्रतिक्रिया दी है। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। एक प्यारी सी छोटी सी छुट्टी बिताए अपने फैमिली के साथ केप टाउन से लौटा, बहुत मन से आप सभी को नए साल की मुबारकबाद दी, अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। बैंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वैश्यत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर, है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। साले, लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों, लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों, अरे शर्म करो यार, छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है। भगवान न करे जो बेंगलोर में हुआ है वो कभी आपकी बहन आपकी बेटी के साथ हो। ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है, हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना, अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप।
ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हाँ, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू, जय हिंद। और अक्षय कुमार के इस वीडियो पर एसपी नेता अबू आजमी भड़क गए हैं। बेंगलुरु हादसे पर असंवेदनशील बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ अक्षय कुमार ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हमारे साथ अबू आजमी, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। आजमी साहब, अक्षय कुमार ने कहा है कि आप जैसे नेताओं का जब वो बयान सुनते तब उनका खून खौलता है। ऐसे हैं जिनसे ये तस्वीर अच्छी लगती है, ये तस्वीर कम कपड़े वाली। मेरे देश की सांस्कृति कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बेंगलोर के लिए हादसे के लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको बहुत सख्त सजा होना चाहिए और हमारी बच्चियों का सम्मान देश में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मेरी बच्चियों का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन आदमी साहब, उनका कहना है कि आप लोग जस्टिफाई करते अपने जैसे बयान, आप लोग को शर्म आनी चाहिए ऐसे बेहुदा बयानों के लिए। उन बेहुदे लोगों को बेहुदे बयान पे शर्म आना चाहिए जो कहते हैं कि लड़कियां रात को अकेले घूमें और कम कपड़े पहन के घूमें। उन मेरी बहनों के साथ में ये ऐसा कह के बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं कि कम कपड़े पहन के रातों को घूमो और उनके साथ क्राइम होगा तो उसका जिम्मेदार वही होंगे जो ये बातें करते हैं। अक्षय कुमार तो कहते हैं कि आपको, आप जैसे नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए क्योंकि इसी सोच की वजह से इस तरह के गुंडों का हिम्मत बढ़ती है। इस तरह के गुंडों को जेल भिजवाओ, उनको सजा दिलवाओ। अगर आपके अंदर ताकत हो सरकार के पास जाओ, उनसे कहो कि ऐसे गुंडों को जेल में भेजो। चिल्ला चिल्ला कर थक चुके, निर्भया कांड के बाद पूरा देश चिल्लाया, लेकिन इसमें कहीं कमी नहीं आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ भारतवर्ष की सांस्कृति को जानो। एक टीवी पे प्रोग्राम आ रहा था, मैंने देखा उस दिन एक लड़की जीन और टी शर्ट पहन के ऑफिस में गई तो उसने अपनी दूसरी सहेली से कहा कि बाहर लड़के रास्ते में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए इतना मुझे छेड़े, इतना टॉन्ट किए मेरे ऊपर कि मुझे शर्म आ गई। ये बहुत बदतमीजी यहाँ हो रही है, इसका कुछ करना चाहिए, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। उस लड़की ने कहा कि बहन, मैं जो निकाब पहन के आई थी ना, तुम वो निकाब पहन के जाओ एक बार। आदमी साहब, आंखों में शर्म होनी चाहिए। अगर आपकी नजर ही बुरी है, आपकी सोच बुरी है, तब लड़कियों कपड़ों का क्या लेना देना। मैं वही कह, अरे आंखों में शर्म होना चाहिए, सोच बुरी है, लेकिन सोच सही नहीं हो पा रही है ना। और अच्छा, आज मुझे बताइए आप कि आज अक्षय कुमार को आप क्या कहेंगे, उन्होंने आपके ऊपर सीधा, नाम ना लेते हो, आपके ऊपर सीधा। कितने लोग बोलते रहते हैं जो लोग इस समाज के अंदर बुराई फैलाने वाले लोग हैं। आज किसी की बीवी के साथ घूम रहा है, कल किसी की बीवी के साथ कोई घूम रहा है, ये हमारे समाज में अलाउ नहीं है। आज नंगे नाच रहे हैं लोग, उसको कोई तारीफ करेगा, ये हमारे समाज में अलाउ नहीं है। लेकिन ये व्यक्तिगत आजादी तो कौन किसके साथ, आप अक्षय कुमार पर ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं? आप, ये मेरा देश जो है, इस देश के अंदर लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का जजमेंट माना जाता है। मैं अक्षय कुमार हो या कोई भी हो, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आओ। 75 लाख लोग ट्रेन में सफर करते हैं, 25 लाख लोग रोजाना ट्रेन में बस में सफर करते हैं। आओ देखो कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनके बदन पर पूरा कपड़ा है और कितनी ऐसी हैं जिनके बदन पर आधा कपड़ा है। मेजोरिटी के लोग पूरा कपड़ा पहनते हैं, उस बात को मानोगे या आधे कपड़े को मानोगे? लेकिन अक्षय कुमार साफ तौर पर कहे जिस तरह से आप। और फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी छेड़छाड़ की घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पूरे समाज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमें सिलसिले में कुछ ना कुछ जरूर कदम उठाने चाहिए। It wasn't here. I didn't see the news in real time. But yes, it is sad. We all bear a responsibility and we all must do something about that. I feel very strongly as a father, as a member of this society, that if something like this is happening in an environment so close to me, then I definitely must be impacted, I must be affected, and I must do something about it. लेकिन वो कदम किस तरह का उठाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के समाज के ठेकेदारों को कड़ा संदेश जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर बॉलीवुड जगत से लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रही हैं फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू। तापसी जी, आपका न्यूज 18 इंडिया पर स्वागत है। सबसे पहला सवाल, घटना होने के बाद पुलिस को जिस रफ्तार से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं होती है और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही देखने को मिलता है। देखिए, इसमें हमारी पोजीशन अब ऐसी तो नहीं है मेरी कि मैं कहूँ कि अच्छा पुलिस ने ये क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए।
गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, ये करना चाहिए. मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालूंगी इस टाइम पे और किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी. इतना बोलूंगी कि अब ना लोगों से उम्मीद करनी बंद करनी पड़ेगी. लड़कियों के लिए बोलना चाहती हूँ, उम्मीद करनी बंद करनी पड़ेगी किसी से भी कि कोई आके हमारे को बचाएगा. ऐसा नहीं हो रहा है. हमने काफ़ी कोशिश कर ली. अब ना वो मौका आ गया है कि अब चीज़ें अपनी सेफ्टी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी. अपने आप को इतना वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा, इतना अपने आप को बनाना पड़ेगा ऐसा कि अपने आप इन प्रॉब्लम से डील कर सको, अपने आप को बचा सको इन सब से. किसी के आकर बचाने की, जस्टिस देने की, वेट करने की नौबत ना आए. प्रिया तापसी पन्नू, आपने हमारे साथ अपने राय को साझा किया. देखते रहिए देश दिन भर. We'll be right back.